नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल सरवन जीएस क्लासेस में। पिछले क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे थे, शनि ग्रह को हम लोग देख लिए थे, अरुण ग्रह को देख लिए थे। ठीक है, बस कुछ फैक्ट है, बेसिक तो आपको शुरू में ही बता दिए हैं। ठीक है, कुछ फैक्चुअल चीजें हैं, ठीक है, जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। ठीक है, तो आपका आज बता देते हैं वरुण ग्रह। ठीक है, और एक ग्रह और था प्लूटो। ठीक है, जिसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया, उसको चर्चा कर लेते हैं। तो आज हम लोग दो ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं और कुछ आपका जो बेसिक चीजें था वो कॉन्सेप्ट आपको पहले बता दिए। ये कुछ डाटा है, आप लोग नोट कर लीजिए, क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। ठीक है, तो फिर हम लोग इसके बाद जो है पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, उससे पहले एक डाटा हम लोग एक जगह कलेक्ट कर लेंगे जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपको बता दें, जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द्रव्यमान के अनुसार ग्रह का क्रम दे दिया आपका, आकार के अनुसार ग्रह का क्रम, घनत्व के अनुसार ग्रह का क्रम, व्यास के अनुसार ग्रह, वही आकार या व्यास हो गया आपका। ठीक है, तो इस तरीके से अगर पूछेगा तो वो भी आपको एक डाटा पूरा कलेक्ट करके आपको दे देंगे। ठीक है, और आप लोग इसको नोट्स जरूर बनाइए। ठीक है, नोट्स बहुत ही बेहद जरूरी है। ठीक है, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट का मतलब के पोस्ट के लिए तैयारी करते हैं, ठीक है, आप नोट्स जरूर बनाइए, इसको लिखिए। और आज आप लोगों को, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को सारा सौरमंडल का सारा नोट्स मिल जाएगा। आप लोगों को सौरमंडल का सारा नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में आज मिल जाएगा। ठीक है, तो नोट्स के लिए आप लोग ना सोचे, आज पूरा मिल जाएगा। हाँ, उसको आप लोग लिखते चलिए, इसमें आपको तो बोर्ड में मिल ही जाता है। ये सब डाटा है, कॉन्सेप्ट तो आपको अब बताएंगे। अब आपको बताएंगे पृथ्वी की उत्पत्ति। ठीक है, पृथ्वी को पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे, इसीलिए पृथ्वी को लास्ट से पढ़ा रहे हैं। हम लोग सब ग्रह पढ़ लिए हैं, पृथ्वी छोड़ दिए हैं। ठीक है, आज हम लोग वरुण और एक ग्रह और था जो उसको हम लोग प्लूटो कहा जाता है। ठीक है, तो एक प्लूटो के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, इसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है। ये जो प्लूटो है ना, ये लास्ट में जो मतलब कि क्षुद्र ग्रह सब कुछ चक्कर काटते, जिसको कि क्यूपर बेल्ट कहा जाता है, इसी के नजदीक में है ये प्लूटो। ठीक है, तो इन दोनों ग्रह के बारे में हम लोग आज पढ़ लेते हैं। ठीक है, बाकी आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं होता होगा। ठीक है, क्लास मेरा कंटिन्यू कीजिए, सिलेबस वाइज आपको क्लास प्रतिदिन मिलता रहेगा एकदम कॉन्सेप्ट से। ठीक है, बाकी आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं है। ठीक है, आजकल थोड़ा छोटा वीडियो बन जाता है, ये कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं। ठीक है, फैक्ट वाला चीज है इसीलिए, लेकिन आप लोगों का अब जो है वीडियो आएगा, आप लोग चिंता न करें। ठीक है, अभी पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़ाएंगे तो आपको डिटेल से क्लास देंगे। ठीक है, और पूरा बताएंगे उसमें पृथ्वी के बारे में क्या था पृथ्वी। ठीक है, एकदम कॉन्सेप्ट वाइज। ठीक है, तो ये सब डाटा एक बार पढ़ लीजिए। जैसे देखिए, अब इसमें क्या है, बस वही चीज है कि इसका जो है कि सूर्य से दूरी कितना है। ठीक है, यानी कि आप इन सब चीजें आप समझाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार समझा चुके हैं आपको। सूर्य से दूरी इसका कितना है, 449.66 करोड़ किलोमीटर। यानी कि अगर देखिए, अब वरुण ग्रह लास्ट ग्रह है आपका ना, लास्ट ग्रह है। अब देखिए, अगर आपको पूरा सौरमंडल जाना है, यानी अंत जाना है सौरमंडल का, तो कितना करोड़ किलोमीटर जाना पड़ेगा, लगभग 450 करोड़ किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। लगभग आपको माना जाए पूरा सौरमंडल तो 500 करोड़ किलोमीटर तक आपको जाना पड़ेगा सौरमंडल का अंतिम छोर तक। ठीक, देखिए, यानी कि अगर आप पृथ्वी पे हैं तो पृथ्वी का दूरी यहाँ से कितना है, लगभग 15 करोड़ है। ठीक है, फिर भी तो आपको लगभग 450-500 करोड़ किलोमीटर जाना पड़ेगा, 15 किलोमीटर दूर है। मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक है, सूर्य है, तो सूर्य से जो है कि ये अरुण का दूरी है 449 करोड़ किलोमीटर, तो वरुण का और कुछ होगा जो डाटा देख देते हैं आपको। ठीक है, लगभग 500 आ जाता है। ठीक है, और क्यूपर बेल्ट तक आपको जाना है, ठीक है, लगभग 500 करोड़ किलोमीटर। आप सोचिए, ठीक है, हम लोग रहते हैं पृथ्वी पर, आप पृथ्वी से मतलब चंद्रमा की दूरी है, ठीक है, 384,400 किलोमीटर। यहाँ तक हम लोग आज तक सही से मनुष्य को नहीं भेज पाए, नाकोदम निकल गया है। ठीक है, वैज्ञानिक रात दिन लगा हुआ है जाने के लिए। ठीक है, आप लोग जान ही रहे हैं। ठीक है, मिशन छोड़ते रहता है लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं, सोचिए। तो ये यहाँ सौरमंडल को घूमना आसान है क्या, इसका मतलब हम सौरमंडल में क्या, इस पृथ्वी में कैद बंदी के तरह है एक प्रकार से देखा जाए तो। ठीक है, तो समझ रहे होंगे आप लोग। ठीक है, तो ये चीजें हैं।
काफी ये सब डाटा है। आप देख परिक्रमण काल 164 वर्ष आपको बताए थे, अरुण का परिक्रमण काल कितना था, 84 वर्ष था, ठीक है, उसका डायरेक्ट 164 वर्ष, यानी कि आप पृथ्वी पर लगभग दो बार किसी किसी का जन्म हो जाएगा ना। अब तो आयु लगभग 70 साल मनुष्य का हो गया है, एवरेज आयु 70 साल, ठीक है। तो अब जो है कि लोग अब मतलब दो बार जन्म ले लेगा तब वो एक चक्कर लगाएगा, ठीक है। अब देखिए ये घंटा मतलब कि परिक्रमण परिभ्रमण काल अपने अक्ष पे 16 घंटा में घूम जाता है। इसका व्यास 49,000 है, हम आपको बोले थे, देखिए सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, ठीक है, इसका व्यास कितना था, दूसरा ग्रह शनि, तीसरा ग्रह अरुण, चौथा ग्रह वरुण, है ना। तो इसका व्यास था 1,42,000 किलोमीटर, इसका व्यास 1,16,000 किलोमीटर, इसका व्यास 49,000, इसका व्यास 50,000, देखिए। और उसके बाद पांचवा है पृथ्वी 12,756, उसके बाद है शुक्र 12,104, उसके बाद है आपका मंगल 7,000 के समथिंग में, उसके बाद है बुध 4,000 के समथिंग में। अभी आपको सब डाटा दे देंगे एक करके, आपको एकदम रचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको बड़ा से छोटा पता है, साथ ही डाटा ध्यान में रखना पड़ेगा। एग्जाम में पूछेगा तो आप ऑप्शन से एकदम सही कर देंगे कंक्लूजन करके, नहीं भाई अब 12,000 तो समथिंग पृथ्वी का है, बृहस्पति का लगभग 1,00,000 से प्लस है, शनि कम से कम, आप ऐसे बना देंगे, क्यों, आपको कॉन्सेप्ट बताए ना, ठीक है। बस यही है, कॉन्सेप्ट से पढ़िए, कंटिन्यू क्लास कीजिए, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आप आईएएस का भी पीटी देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, आप मेरा पूरा क्लास कीजिए, हिस्ट्री का उधर करते रहिए क्लास, और ज्योग्राफी का इधर करते रहिए, ठीक है, बाकी आपको कहीं नहीं सोचना है, ठीक है। हाँ कुछ लोग कहते हैं कि मतलब कि सर दरोगा का हो पाएगा नहीं, आपको तो शुरू में ही समझा दिए थे कि जो दरोगा का सिलेबस है वो पीसीएस का सिलेबस है, बीपीएससी का सिलेबस है, आप मेरा सिलेबस का क्लास कब नहीं देखे होंगे जो हमसे पूछते हैं, ठीक है। देखिए हम आपको पहले ही बता दिए थे, अगर आप एक बार सिलेबस पढ़ेंगे तो दरोगा में क्या पूछा जाता है, जो आप बीपीएससी में पीटी में पूछा जाएगा, दरोगा में दोनों एग्जाम में वही होगा, आपका पीटी में भी मेंस में भी ऑब्जेक्टिव भी होगा, ठीक है। तो आप एक बार बीपीएससी पढ़ लीजिए, आप बीपीएससी भी दीजिए दरोगा भी दीजिए, बस उसमें क्या है मेंस में 10-20 को मैथ पूछा जाता है दरोगा में, ठीक है। तो आपका मैथ पोर्शन सही नहीं होगा, लेकिन आपका पीटी तो जीएस पेपर तो मजबूत होगा, आप इसमें कवर कर लेंगे। हाँ अगर आपका मैथ भी ठीक है, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा जाता है कुछ अलग अलग टॉपिक से भी, तो वो अगर बना लेंगे तब तो और बेहतर है, बाकी 10 क्वेश्चन तो आपका बीपीएससी में भी मैथ रहता है, ठीक है। तो बाकी तो देखिए पढ़ना है तो आप सोचिए नहीं, ठीक है। तो आप मेरा सिलेबस का क्लास कर लें, जो भी हमसे पूछते हैं कि दरोगा करके होगा कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, आप सिलेबस देखिए, कोई भी सब्जेक्ट का तैयारी जो है आपका क्लियर कब हो जाएगा, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सिलेबस आप सिलेबस पहले कंप्लीट कीजिए, जिस दिन आप सिलेबस को पूरा एक एक करके छान लीजिएगा कि हमको इतना पढ़ना है, उस दिन आपका 50% तैयारी हो जाता है, और जब उसका आप कंटेंट को निकाल देते हैं पूरा, लगभग 70% तैयारी आपका क्लियर हो जाता है कि सब सिलेबस को हम जुटा लिए, समझ गए इतना है आपका, लगभग सब चीजें लगभग क्लियर, उसके बाद आपको पढ़ना रहता है, मेहनत तो सब करता है लेकिन कहाँ करना ये पता नहीं चलता है। तो आप केवल जिसका भी तैयारी करते हैं उसका सिलेबस को निकालिए, पहले सिलेबस देखिए, ठीक है। यहाँ बिना सिलेबस देखे पढ़े बस खाली रटे जा रहा है, कहाँ क्या पूछ रहा है कोई पता नहीं, ऐसे मत, एक अंदाजा लग जाता है कि ये पूछेगा, यहाँ सिलेबस है, उसके बाद तब पढ़िए, तब आपका 50% सिलेबस क्लियर, सब कंटेंट जुटा लिए 70% क्लियर, उसके बाद तो अच्छा से पढ़ना है, 30% वो उसमें हो जाएगा। चलिए वो सब आप लोग सब जानते भी हैं, लेकिन कुछ लोग कमेंट करते हैं फोन करते हैं तो हम बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। चलिए इसका तापमान कितना है, 228 डिग्री माइनस में, क्योंकि हम आपको बोले थे कि ये दोनों बर्फीला ग्रह है, ठीक है, इसलिए उसका तापमान माइनस में है। इसका औसत घनत्व 1.69 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, बर्फीला है, ठीक है। अब देखिये हम आपको बोले, हाँ एक बात ध्यान में रखे, ये चारों में धरातल है, ठीक है, मिट्टी है, और ये चारों ये दोनों गैस का ये दोनों बर्फीला है, ठीक है। तो ये चारों घनत्व में अधिक है, ठीक है, और सबसे अधिक घनत्व किसका, पृथ्वी का, जो कि हम लोग पृथ्वी में रहे हैं, इसको ठोक बजा करके दिए हैं, इसको ठोस बना करके, ऐसे ध्यान में रखना। इसमें हाइड्रोजन हीलियम मीथेन अमोनिया वही सब में वही चारों में वही गैस पाया जाता है। इसका 13 उपग्रह है, लेकिन एक उपग्रह 2013 में खोजा गया है, ठीक है, और उसके बाद 5 उपग्रह और इसका खोजा गया है,
लेकिन उसका अभी मतलब परफेक्ट नाम नहीं आया है, नहीं तो उसका लगभग 14 से 18 को समथिंग में आ गया है उसका उपग्रह। लेकिन 14 को तो बता चुका है, 1 जुलाई 2013 को बोला कि इसका 14 उपग्रह है, ठीक है। बाकी इसका झुकाव 16 डिग्री है, यानी यहाँ देखिए इसका मतलब ये सीधा नहीं है, 16 डिग्री ऐसे करके झुका हुआ है, ठीक है ये। और उसके बाद इसको खोजा किसने है, तो जॉन गेले और ली वॉरियर ने इसको खोजा है 1846 ईस्वी में, ठीक है। और इस पर कौन सा मिशन छोड़ा गया, नासा ने मिशन छोड़ा है वोयेजर 2 1986 में, ठीक है। बाकी ये सब कंटेंट है, आप लोग और बुक में पढ़िए, नया नया बुक में, ठीक है। फिर आपको ये सब डाटा जो है कि मिलता रहेगा, ठीक है। डाटा इसीलिए बता दिए कि डाटा से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग देखेंगे आगे, आगे हम लोग आप देखते हैं एक प्लूटो के बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं प्लूटो के बारे में। तो एक बार पहले प्लूटो के बारे में हम लोग पूरा समझेंगे कि प्लूटो को जो है क्यों मतलब कि ये कहा जाता है, क्या क्या कहा जाता है, उसको बोना ग्रह क्यों कहा जाता है, उसको ग्रह की श्रेणी से क्यों हटाया गया प्लूटो को, इन सब चीजों के बारे में देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए एक बार पहले प्लूटो को हम लोग देख लें, एक मिनट। देखिए अब हम लोग बात करते हैं प्लूटो के बारे में, ठीक है। तो देखिए प्लूटो के बारे में, प्लूटो को जो है ग्रह की श्रेणी से क्यों हटाया गया इसके बारे में चर्चा करते हैं। जो प्लूटो था, ये जो प्लूटो था सबसे अंतिम ग्रह था, ठीक है, सबसे अंतिम में था ये, ठीक है, सबसे लास्ट में। यहाँ पे कहाँ पे, ये क्यूपर बेल्ट के पास, ये जो है आपका क्यूपर बेल्ट के पास था ये, ठीक है, एकदम यहाँ पे सटा हुआ, ये 9वां ग्रह, ठीक है। इसको यम या कुबेर भी कहा जाता है, ठीक है। और इसको खोजा था क्लाइड टॉम्बेग ने, ठीक है, क्लाइड टॉम्बेग ने इसको खोजा था, और 1930 ईस्वी में इसको खोजा गया था, 1930 ईस्वी में, ठीक है। अब देखिए ये इसको सबसे छोटा ग्रह माना जाता है, ये सबसे छोटा 9वां ग्रह था, ठीक है, ये सबसे छोटा 9वां ग्रह था। लेकिन इसको जो है, इसको मतलब कि इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया या इसका ग्रह की दर्जा से हटा दिया गया, ऐसा क्यों किया? तो कहा जाता है कि 24 अगस्त 2006 में चेक गणराज्य की राजधानी पड़ता है प्राग में, वहां पे एक सम्मेलन हुआ, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU सम्मेलन हुआ यहाँ पे। यहाँ पे कहा जाता है 75 देश के 2500 वैज्ञानिक ने भाग लिया, और जब इन लोगों ने भाग लिया तो इन्होंने एक विचार किया सौरमंडल के मतलब के प्लेनेट को लेकर के, ग्रह को लेकर के, और इन लोगों ने एक ग्रह की एक नई परिभाषा दिया। ग्रह की परिभाषा में बोला इन लोगों ने, ठीक है, इन लोगों ने बोला कि मतलब कि ग्रह उसको माना जाएगा जो कोई सूर्य की परिक्रमा करता हो या किसी तारे की परिक्रमा करता हो, ठीक है, किसी तारे की परिक्रमा करता हो, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है, तो किसी तारे की परिक्रमा करता हो सबसे पहला एक चीज है। दूसरा कि उसका आकार गोल हो और उसमें कुछ गुरुत्वाकर्षण हो, वो गोल आकार का हो, सूर्य की परिक्रमा करता हो, ठीक है, और उसका एक निश्चित कक्षा हो। निश्चित कक्षा का मतलब अगर एक ग्रह ये है इसका एक निश्चित कक्षा में चक्कर काटता हो, और दूसरा ग्रह है ये भी, दूसरा ग्रह जो रहेगा वो भी निश्चित कक्षा में चक्कर काटेगा, ठीक है, तो वो आकार में गोल हो, किसी तारे की परिक्रमा करता हो, उसमें द्रव्यमान हो, ठीक है, और एक उसका निश्चित कक्षा हो। इन सभी ने परिभाषा दिया। जब ऐसे परिभाषा दिया तो प्लूटो के पास क्या समस्या आ गई, जैसे मान लीजिए ये प्लूटो है तो प्लूटो की जो निश्चित कक्षा नहीं है, ये क्या करती है, ये सूर्य का तो चक्कर काटती ही है कभी कभी, ये जो सूर्य के बगल में, अब देखिए ये इसके बगल में कौन है, वरुण ग्रह, कभी कभी ये वरुण की कक्षा को भी प्रभावित करती है और इसका भी चक्कर काट लेती है, जिस कारण से इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया, ठीक है, ग्रह की परिभाषा से हट गया। ये नहीं कि इसको यहाँ से ठेल के हटा दिया, ऐसा नहीं, इसको ग्रह की परिभाषा से हटा दिया, ग्रह की श्रेणी से हटा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से प्लूटो को 2006 में, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, 2006 में सम्मेलन हुआ और इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया। अब देखिए अब हम लोग जो बात करेंगे, ठीक है, एक फैक्ट आपको डाटा दे देते हैं, ठीक है, एक एक करके आपको पूरा एक डाटा दे देते हैं। क्या डाटा रहेगा आपको कि मतलब कि सूर्य की दूरी के अनुसार ग्रह, द्रव्यमान के अनुसार ग्रह, ठीक है, और मतलब आकार के अनुसार ग्रह, घनत्व के अनुसार ग्रह का क्रम, ठीक है, तो इन सारे डाटा दे देते हैं आपको, ठीक है। तो ये जो है आपका
ठीक है, ये क्लास आपका यहीं तक रहेगा, एक क्लास आपको और देंगे और उसमें सारा डाटा दे देंगे, ठीक है। तो ये क्लास यही रहने दीजिए, एक क्लास में आपको डाटा दे देते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे एक अद्भुत ग्रह के बारे में जिसमें जीवन संभव है, पृथ्वी के बारे में, ठीक है। फिर सारा जानकारी आपको पृथ्वी के बारे में फैक्ट भी दे देंगे पहले, उसके बाद पृथ्वी के बारे में सारा चीजें बताएंगे और उसके बाद आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आज जो है इसका वीडियो ये वाला यही रहने दीजिए, ठीक है। और फिर हम लोग बात करते हैं, एक डाटा दे देते हैं आपको, ठीक है, अगले वीडियो में, ठीक है। ठीक है, फिर आप लोग क्लास कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। और हमसे अगर कोई जुड़ना, अगर किसी को कनेक्ट मतलब कॉन्टेक्ट करना है तो आप मेरा इस नंबर पे जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं, 7484987818, ठीक है, इसमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, इसमें कॉल भी आपका लग जाएगा, ठीक है। आपको कुछ चीजें पूछना रहे, कुछ डाउट रहे या कोई बात है तो आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप मतलब कि कोई अधिक जानकारी नहीं लेना हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में भी आप मेरा मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर आज हम लोग यहीं तक बात करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।